लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News29India को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, News29 India में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं इंदौर की कुछ फटाफट खबरों पर। जिला योजना समिति की बैठक में नीमच जेल ब्रेक सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि जेल अधीक्षक समेत 6 को किया सस्पेंड, जल्द सलाखों के पीछे होंगे आरोपी। नगर निगम द्वारा अति खतरनाक मकानों को तोड़ने की कार्यवाही मंगलवार को भी रही जारी। जगह नहीं थी तो जेसीबी से रस्सी बांध कर तोड़ा मकान, दो बार टूटी रस्सी तो रहवासी बोले कि मकान तो मजबूत है। भागीरथपुरा चौकी प्रभारी दिनेश त्रिपाठी ने किया सराहनीय कार्य। सड़क पर भटक रही थी 100 साल की बुजुर्ग महिला, पुलिस ने परिवार का पता लगा, पहुंचाया घर। मध्य प्रदेश में सोमवार को पहली मानसूनी बारिश से 3 लोगों की हुई मौत। उज्जैन में पुजारी उफनते नाले में बहा, बड़वानी में छत गिरने से वृद्ध की हुई मौत। शहर में बारिश के बाद निचली बस्तियों में भरा पानी, कई इलाकों में पसरा कीचड़। बिजली गुल होने से लोगों को हुई परेशानी, लोगों ने कहा कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र की एक बड़ी वारदात आई सामने। चरित्र शंका पर पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला, भाभी ने बचाई महिला की जान। इंदौर में बारिश और आंधी से शिप्रा में बन रहा एक कोल्ड स्टोरेज का स्ट्रक्चर गिरा। स्ट्रक्चर गिरने से एक मजदूर की हुई मौत, ठेकेदार ने अस्पताल में लिखवाया वाहन दुर्घटना। डायल 100 का टायर फटा, 40 फीट गहरी नहर में गिरने से आरक्षक व ड्राइवर की हुई मौत। शहर में हजारों के बिजली बिल देख उग्र हुए लोग, बिजली कंपनी दफ्तर पहुंच, मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाए नारे। खजराना मंदिर के मुख्य मार्ग पर 3.25 करोड़ में बनेगा नया द्वार, साथ ही 88 कमरों का भक्त निवास भी बनाया जाएगा। इंदौर की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News29 India के साथ। एक देश सारे प्रदेश।